चलो। तू खाना शुरू करते हैं, ये परी का खाना और ये मेरा खाना। और आज है सिंपल, छोले और दाल है मिक्स और चावल, और ये है मनु, मनु का खाना। तो अभी खाना खा रहे हैं हम, और यहाँ पे मेरा भी खाना आ चुका है और परी का भी आ चुका है और मनु का भी आ गया है। तो हम सभी खाना खाना स्टार्ट हो गया है हमारा, तो चलिए खाना शुरू करते हैं। कुछ बोलिए, बोलना। गाइस अभी शाम के 6 बज चुके हैं और आज थोड़ा सा ऊपर छत पे आ रखा हूँ, सिस्टर लोगों के जहाँ पे सिस्टर रहती है, रूम ले रखा है जहाँ पे, तो छत में आ रहा हूँ, आ रखा हूँ। तो छत में मैं इसको घुमा रहा हूँ, मन्नू को, और मन्नू है साथ में। मन्नू घूम रही है मेरे साथ और हाथ पकड़ के घूम रही है, तो इसको घुमा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ का कुछ व्यू भी दिखाता हूँ आपको, चारों तरफ का कैसा व्यू है पटेल नगर का। और यहाँ पे मतलब पटेल नगर के अंदर यहाँ पे है, तो यहाँ पे रहती है सिस्टर, किराए पे रहती है। तो अभी व्यू दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का। तो गाइज ये है पटेल नगर का व्यू और जहाँ पे सिस्टर रहती है। तो ये मकान है और मकान के यहाँ पे, तो ये सामने यहाँ पे ये स्कूल है, और यहाँ स्कूल से इधर की तरफ से, और ये जहाँ पे ये बिल्डिंग दिख रही है इसके उधर से सीधे आगे पटेल नगर के लिए जाता है। तो वहीं पे आगे मतलब पटेल नगर है, और इधर की तरफ का दिखाऊँ, चारों तरफ मतलब बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का। आ जा मनु। तो ये आप देख सकते हो चारों तरफ का व्यू, दूर दूर तक मकान ही मकान फैले हुए हैं इधर, और शानदार सा व्यू है। तो ये आप देख सकते हो, और ये सामने पानी की टंकी भी दिखाई दे रही है यहाँ से, तो ये भी आप देख सकते हो। और मनु अभी घूम रही है मेरे साथ यहाँ छत में। तो ये है मनु, है ना मनु, कहाँ घूम रही थी, हाई करो, हाई करो, ऐसे करो, हाई कर, नहीं कर रही, क्यों कर। के 10 बज चुके हैं और मैं अभी खाना खा चुका हूँ, तो बाकी परी और परी की मम्मी खा रही है खाना। तो परी यहाँ पे खा रही है, इसका ध्यान तो टीवी पे रहता है, तो ये परी यहाँ पे खाना खा रही है, और ये इसके लिए खाना रखा हुआ है, खा नहीं रही है, टीवी पे लगी हुई है नज़र ऊपर। तो ये आज बना है अंडा कढ़ी और रोटी परी के लिए, और परी तो खा नहीं रही है, खाली टीवी देख रही है उधर। बोल भी, बोल कुछ, बोल दिया खाली, हेलो बस। है फटाफट का, अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और अभी आज मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। तो अभी लगभग यहाँ से ऑटो वगैरह तो मिल नहीं रहे, लेकिन थोड़ा आगे तक पैदल जा रहा हूँ। तो अभी देहरादून से अभी मैं आ चुका हूँ डोईवाला में, और डोईवाला में ये फ्लाईओवर है ऊपर, ये फ्लाईओवर जा रहा है हरिद्वार के लिए। तो मैं यहीं चौक पे, यहाँ सामने वाला चौक है, तो यहाँ पे वेट करूँगा भाई का, और प्रदीप भाई आ रहा है उधर से डोईवाला से, तो यहाँ पे वेट कर रहा हूँ मैं अभी, मतलब आगे वेट करूँगा, और वहाँ पे वहाँ से फिर वो मेरे को रिसीव करके और फिर निकलेंगे हम घर के लिए। तो आज भाभी और शिवांश भी हमारे साथ, तो इस पे ना कलाकारियाँ भी कर रखी हैं, ये बद्रीनाथ और उधर पे केदारनाथ बना रखा है, और उधर एक और मंदिर बना रखा है, तो बड़ी शानदार सी कलाकारी भी कर रखी है इधर। और ये है चौक, और ये उधर हरिद्वार के लिए, और नीचे से डोईवाला के लिए, और इधर राइट टर्न करेंगे तो ये देहरादून जाएंगे इधर से। तो सामने बोर्ड लगा हुआ है हरिद्वार का, 35 किलोमीटर यहाँ से हरिद्वार है।
तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर में, और श्रीनगर का ये व्यू देख सकते हो। ये है SSB गेट और यहाँ से देख सकते हो, और ये यहाँ पे हम चुंगी पे पहुँचने वाले हैं अभी। श्रीनगर जो चुंगी है, जहाँ से पौड़ी के लिए भी जाती है, इधर रिस्केस के लिए आती है रोड, और एक इधर हमारे उधर रुद्रप्रयाग के लिए जाती है, तो तिराहा है तो इसको बोलते हैं यहाँ पे चुंगी। हम पहुँच चुके हैं चुंगी में, तो ये आप देख सकते हो नज़ारा। तो गाइस रिस्के से पहुंच गया हूं घर में, और पहुंच करके तुरंत खाना वगैरह भी हो गया है, और खाना खा करके मैं और श्रेयांश आ गए हैं ऊपर। तो यहाँ देखो, ये श्रेयांश है, और श्रेयांश यहाँ पे खेलने पे लगा हुआ है, और ये देख सकते हो मस्ती करता रहता है, फुल मस्ती। और देखो यहाँ पे, देखो इसकी चोट भी लग गई है हाथ पे, आई हो गई इस पे, यहाँ देखो ये दिखा नहीं रहा है। तो गाइस थोड़ा सा श्रेयांश के हाथ में चोट भी लग गई है, तो अभी कोई नहीं है घर में। श्रेयांश की मम्मी है और पापा अभी दुकान से आए हैं, तो पापा भी खाना खा चुके हैं, और श्रेयांश की मम्मी बर्तन वगैरह धुल रही है, तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। तो थकान लगी हुई है, तो थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो गाइस लगभग शाम के 5:30 बज चुके हैं, और अभी थोड़ा सा मौसम भी थोड़ा सा बादल वगैरह लगे हुए हैं ऊपर आसमान में, और अभी शाम को मेरे पास छोड़ दिया श्रेयांश को श्रेयांश की मम्मी ने, और पापा चले गए हैं दुकान में, और फिलहाल घर में अभी, मतलब मैं तो आज ही पहुंचा हूं, बाकी मैं श्रेयांश की मम्मी और पापा हैं घर में, और बाकी सभी बाहर जा रखे हैं, और सबसे छोटा वाला भाई वो अपनी ड्यूटी पे है। तो अभी श्रेयांश के साथ हूं, तो इस ये परेशान करने कर देता है। नीचे नीचे जाना, लेता जाओ नीचे जाओ जाओ, तो भाग गया, उधर भागने पर लग गया। और श्रेयांश को हमेशा ही गोदी पर रहता है नहीं, तो इसको चाहिए घूमने के लिए, इधर उधर भटकने के लिए चाहिए होता है। तो जैसे कि अभी डंडे वगैरह उठाता रहता है, ये देखो उठा दिया फिर से डंडा। एक चीज़ मैं दिखाऊं आज इसके हाथ पे, इसने थोड़ा सा चोट वगैरह लगा दी कल मैं तो यहाँ था नहीं, ये इसके हाथ पे ये चोट लग गई है यहाँ पे, और ये दरवाजे के पीछे आया जब, तो ये देखो मस्ती कर रहा है, ऐसा मत कर, चल आज आ इधर आ, ये सब लोग कह रहे हैं जय करो बल, जय जय कर बल, सभी बोल रहे हैं जय करो, जय जय कर, जय जय कर, जय नहीं कर रहा डन, हाँ बाय बाय करो बाय, हाँ श्रेयांश आ जा इधर, ये वहाँ मजा, वहाँ नीचे गिरेगा बम हो जाएगा, आ जा। तो गाइज एक हफ्ते से मैं देहरादून में था, और देहरादून से आज फाइनली घर आ चुका हूँ। तो अभी मतलब दोपहर को पहुँचा था, लगभग 1:30 बजे पहुँचा था, आते ही खाना वगैरह हुआ था, और अभी शाम को श्रेयांश के पास हूँ, और श्रेयांश काफ़ी परेशान कर रहा है, तो इसलिए इसको इधर उधर घुमाना पड़ रहा है। तो गाइज आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और गाइज आज का ये ब्लॉग यहीं पर क्लोज करते हैं, और मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट एंड बाय बाय।